हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे, वीरवार, गुरुवार और 2 तारीख हो गई है। मार्च महीना लग गया है, मार्च महीने का 2रा दिन है। और बस अभी सुबह का ही टाइम हुआ है और सुबह सुबह लगी हुई हूँ मैं फ्रूट काटने और जूस बनाने। वैसे मैंने और मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया था, रोटी खाई थी नाश्ते में, पर सुमित ने नाश्ता नहीं किया था। तो सुमित के लिए मैंने पपीता काटा था। और जब हमने नाश्ता किया ना, तब तक मैं पपीता लाई नहीं थी, बाद में जाके लाई थी पास वाली शॉप से ही। तो बस सुमित सुमित के लिए ही मैंने पपीता काटा है और अभी जूस बना रही हूँ। और ये जूस भी मैं और सुमित ही पियेंगे, मम्मी को इतना पसंद नहीं है ना। तो ये फ्रूट और वेजिटेबल दोनों मिक्स करके ही जूस बना रही हूँ। तो 2 संतरे लिए थे मैंने, 2 गाजर ली थी और 1 चकुंदर लिया था। और जो संतरे थे उनकी उसका मैंने वो बीज होते हैं ना, वो निकाल लिए थे पहले ही। और बस ये सारी चीज़ें काट के मैंने मिक्सी जार में डाल ली हैं। और साथ ही मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, तो छील के धो के वो भी डाल लिया है। और थोड़ा सा नमक डाल लिया है और थोड़ा सा डाल लिया है हनी, 1 चम्मच हनी डाला था। तो इससे अदरक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है जूस का। और बस मिक्सी जार में डाल के और पीस दिए हैं ये सारी चीज़ें। और अब इनको इस मोटे मतलब जूस छानने वाली छलनी से छान लूँगी और अच्छे से चम्मच से घुमा घुमा के, तो अच्छे से छन जाता है। इससे बस जूस बन के रेडी हो गया है। आ जाओ आप सब भी पी लो। सुमित ने देख लो क्या करने लग रहे हैं, क्या कर रहे हो हैं? और इतनी गर्मी आ गई, कच्छा पहनना शुरू कर दिया। अभी तो ठंड है थोड़ी थोड़ी। क्या बादाम भिगो रहे हो? शाम में भिगोया करो। और अभी सुमित लगे हुए हैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोने, शाम को भिगोना भूल गए थे इसलिए सुबह सुबह भिगो रहे हैं। और शाम को जब जिम जाएंगे ना, तो जिम जाने से पहले खा लेंगे, तब तक अच्छे से भीग भी जाएंगे। और ड्राई फ्रूट में ये भिगो रहे हैं, बादाम हैं, छुआरे हैं, अखरोट हैं और अंजीर हैं, 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ें भिगो रहे हैं। अभी दोपहर हो गई है और मैं आई हूँ बाहर सुमित के साथ। सुमित को कुछ काम था तो मैं उनके साथ ही आ गई, क्योंकि मेरे को भी टेलर को सूट सिलने देने थे, एक मेरा और एक मम्मी का। तो मैंने सोचा सुमित जा तो रहे हैं तो इन्हीं के साथ चलती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को शाम को है ना पार्क से जाना पड़ता। और आजकल है ना पार्क के सारे रास्ते बंद कर रखे है, जो छोटे वाले है सारे ही बंद कर रखे, क्योंकि पार्क में लगा रखी है घास, तो बच्चे जो है घास पे घूमते हैं, तो इसलिए सारे रास्ते बंद करती है, बस एक मेन गेट खुला है। तो मेरे को बहुत लंबा घूम के और फिर टेलर के यहाँ जाना पड़ता। तो अभी सुमित आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हीं के साथ चलती हूँ, वो घूमना बच जाएगा मेरा। तो अभी बस मम्मी को और अपना सूट सिलना दे के आऊंगी और बस सुमित का तो काम हो ही गया, वापिस चल दिए हम। और जब सूट सिल के आ जाएगा तब पहन के दिखाएंगे हम, कैसा लगेगा बताना। तो अभी तो बस सिलना दे के आऊंगी, कब तक देगा टेलर। अभी हमें यहाँ एक गन्ने के जूस वाला दिख गया इधर, तो सुमित गए हैं बोलने, तो अभी हम गन्ने का जूस पियेंगे मैं और सुमित। तो बाहर आए हैं तो कुछ खा पी के तो जाए, तो अभी गन्ने का जूस पी लेते हैं फिर जाएंगे टेलर के यहाँ। तो सुमित गए हैं अभी बनवाने। गर्मी में तो ठंडा ठंडा गन्ने का जूस मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, और गर्मी आ जाएगी ना तब तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सुमित तो लग गए पीने, बन ही गया हमारा, मैं भी आ गई नीचे उतर के, यहीं खड़े होके पियेंगे, खड़े होके पीने में ही मजा आता है। का टाइम हो गया। लो भैया देखो अस्तर ले आए, अस्तर भी है, मेरा मम्मी का सूट है इसमें। अस्तर ले आए ना? हाँ अस्तर लाऊंगे, अस्तर है ना साथ में। देखो ये तो कमीज का है मेरा, तो ये कमीज का अस्तर है मोटे वाला, और ये सलवार का, ये 3 मीटर अस्तर। हाँ, ये 3 मीटर सही ले आए। हाँ, गड़बड़ हो, वो 2.5 मीटर है कमीज का, और ये मम्मी का है, ये कमीज वाला मोटा अस्तर है, ये मोटा। हाँ देख लियो, और ये सलवार वाला ये 3 मीटर है, ये 2.5 मीटर, ये मोटा है कमीज वाला। हाँ, सलवार का कमीज में लगा दो और कमीज का सलवार में। देखो ये तो हो गया इसका अस्तर। हाँ और ये हो गया इसका अस्तर। हाँ सलवार का ये अस्तर है ना। और ये इसका है और वो उसका है।
और भैया सलवार के पोचे ऊंचे बनाने, जैसे बुआ के बना रखे थे ना पाइपिंग लगा के, बिल्कुल मम्मी के वो वही बनेगा। और बाजू पे तो वर्क है मम्मी वाले सूट पे, और मेरे पे तो बाजू पे भी और सलवार पे भी वर्क है। ठीक है, ये सलवार पे और ऊंचे ही मेरे बनाने हैं पोचे, पाइपिंग निकालते ना 38 सही रहेगी ना। हाँ 38 सही, 38 तो लंबी बनवाना। मम्मी भी 38 ही बनवाती है ना सलवार की ना, वो लंबाई सूट की। अच्छा सूट नहीं, मैं सलवार की बता रही थी। सलवार तो 38 ही आंटी के, सूट तो मेरा जितना बनेगा उतना ही बना देना, उस पे कढ़ाई है ना, जितना बनेगा उतना ही बना देना। ये सूट हो गया। हाँ मेरा पूरा ही बना देना जितना बनेगा। हाँ सही है, इसकी तो कढ़ाई है। हाँ जितनी उतनी लंबाई बना। हाँ पूरा ही बन जाएगा, बाजू पे भी वर्क है उस पे भी है वो सब कुछ। और भैया पाइपिंग निकाल देना सलवार की कलर की, दोनों पे मम्मी वाले पे भी मेरे वाले पे। ठीक है ठीक है भैया, कब तक दोगे? कभी भी, कल परसों। ठीक है परसों तक रेडी कर दे। करें आपके भी बताया कराइए सिर में आज सिल रहे। ठीक है भैया, और दे आई हूँ मैं दोनों के सूट सिलने, मेरा और मम्मी का। मेरा तो बिल्कुल हैवी सूट है, पंजाबी लुक का एकदम, तो सलवार सिलवाई है मैंने, क्योंकि सलवार पे भी वर्क था और बाजू पे भी वर्क है, तो पूरा हैवी सूट बनेगा। और मम्मी का भी बहुत ही सुंदर सूट है, सिल के आ जाएंगे तब पहन के दिखाएंगे जब भी पहनेंगे। और बस अभी चाय का टाइम हो गया है, तो अभी लगी हुई हूँ मैं चाय बनाने में। तो मम्मी के लिए बनाई है मैंने चाय, सुमित के लिए कॉफ़ी और अपने लिए ग्रीन टी, तो तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई है। और बस अभी शाम का टाइम हुआ है, शाम के 4 बज गए थे, और चाय पानी मैं मम्मी की बना के आ गई। और मैं छत पे आई हूँ घूमने के लिए, क्योंकि है ना पार्क के है ना सारे गेट बंद कर रखे हैं, पूरे पार्क में है ना घास लगा रखी है, मतलब जो जो कच्ची जगह थी सारी जगह घास लगा दी है। वो देखो दिख भी रहा होगा आपको, क्लीन करके सारा एरिया और उसमें घास लगा दिया, तो सारे जो छोटे वाले गेट है पार्क के वो सारे बंद कर रखे हैं, बस एक मेन गेट खुला है, वो भी हमारे उस साइड, हमारी साइड नहीं है। तो पार्क में कोई नहीं जाता, बहुत ही कम जाते हैं, बच्चों को तो जाने ही नहीं देते, क्योंकि बच्चे फिर घास पे घूमेंगे तो वो घास उगेगी नहीं, तो इसलिए सारा ही पार्क बंद कर दिया। आधे पार्क में एक बार लगाई थी घास, तो पहले तो आधा पार्क बंद करा था, अब तो पूरा ही बंद कर दिया, क्योंकि अब इस साइड भी लगा दी है घास, तो बस हमारा पार्क में जाना बंद हो रखा है। तो 10-12 दिन तक और बंद रहेंगे पार्क के गेट, तो तब तक हम घूम नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा पार्क तो जाया नहीं जाता, चलो छत पे ही घूम आती हूँ, और मौसम के नज़ारे भी ले आऊँगी और छत पे घूम भी लूँगी, थोड़ा सा घूमना हो जाएगा, शाम का टाइम वैसे हो गया है। चलो अभी घूम लेती हूँ, मम्मी अभी नीचे ही है, सूट देखने वाली आई हुई थी, तो मम्मी सूट दिखाने लग गई चाय पी के, मैं ऊपर आ गई घूमने के लिए, थोड़ी देर घूमूंगी और फिर नीचे जाऊँगी। और मेरे को हो गया है आधा घंटा घूमते घूमते यहाँ ऊपर, तो बस मैं अब नीचे ही जा रही हूँ। सुमित भी जिम गए हुए हैं, आज जल्दी चले गए, क्योंकि अब पार्क में तो घूम नहीं सकते, पार्क बंद है, नहीं तो जिम जाने से पहले 3 चक्कर पार्क के लगा के और फिर जिम जाते थे, आज तो सीधे ही जिम चले गए, तो वहीं ट्रेडमिल पे घूम लेंगे। तो मैं अभी बस नीचे ही जा रही हूँ, मेरा भी वर्कआउट हो गया, वर्कआउट क्या घूमना हो गया, चलो चलते हैं नीचे। और अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो यहाँ लगी हुई हूँ मैं डिनर बनाने में, और सब्जी मैंने छोंक दी है, और आज बनाई है मैंने आलू बीन्स की सब्जी, और उसमें है ना पनीर डाल दिया, घर का ही बनाया हुआ थोड़ा सा पनीर रखा था तो वो डाल दिया, तो उससे सब्जी का टेस्ट और अच्छा आया, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और बस धनिया डाल दिया, सब्जी बन के तैयार हो गई है, और सैलेड भी काट दिया है मैंने, बस अभी रोटी सेकनी बाकी है, और साथ में ही ना टीवी चल रहा है, साथ में मूवी लगा रखी है, मैं और मम्मी मूवी भी देख रहे हैं और साथ साथ में काम भी कर रहे हैं। बस अभी रोटी सेक देती हूँ, और आज मैंने मेथी की रोटी बनाई है, परसों गांव से मेथी लेके आए थे ना, तो बस जब से ही मेथी की रोटी बना रही हूँ मैं परसों से ही, तो एक बार पीस के रख ली थी, और जब भी आटा गूंद रही हूँ तब भी बना दूँ, और सच में गाँव की मेथी में तो ना खुशबू भी अलग ही आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और बस अभी सारे काम निपटा के और मैं लग गई हूँ मेहंदी भिगोने, क्योंकि कल लगानी है मेरे को मेहंदी, कल फ्राइडे है तो कल लगा लूँगी, और रात भर भिगो के छोड़ दूँगी आज, तो अब मैं चाय पत्ती के पानी से ही मेहंदी भिगोऊँगी, तो मैंने पानी चाय पत्ती उबलनी रख दी थी, तो बस इससे भिगो लेती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाली, कॉफ़ी पाउडर, और सुबह अंडे डाल लूँगी, 2 अंडे डाल लूँगी उनका वाइट पार्ट, और 1 नींबू निचोड़ लूँगी, 1 या 2 नींबू निचोड़ लूँगी, तो ये प्रोसेस मैं सुबह करूँगी। तो अभी बस इसको भिगो के और ढक के रख देती हूँ।
चलो तो फिर इस व्लॉग का अब यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।